हेलो, या आई एम कमिंग। अरे मेरे अरेंज की पार्टी महीना हो, ऐसा हो सकता है क्या? या ऑफ कोर्स, आई विल बी देयर बाय 6 o'clock। या बाय। मेरा नाम अभी है अभिराज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 80,000 पगार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपना नाम कमाना है। आज की मीटिंग में एमडी ने मेरी बहुत तारीफ की है। आज की पार्टी मैं एमडी के लिए ही दे रहा हूँ, इसलिए मैंने कोहिनूर हयात होटल में पार्टी रखी है। सच में देखा जाए तो उनके लिए ही पार्टी रखी गई है। इंडिपेंडेंट हाउस, बेंज कार भी खरीदनी है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लोग मुझे देखें तो आश्चर्यचकित होने चाहिए, लेकिन ये सब देखने के लिए जानकी इस दुनिया में नहीं है। अरेंज की थी। कल तुम हेड ऑफिस आकर मुझसे जरूर मिलना, मैं देखता हूँ। श्योर श्योर श्योर, आई एम वेरी हैप्पी। कल तुम्हारा प्रोजेक्ट ओके हो जाएगा, डोंट वरी। जिंदगी एक सफर है,
जिसमें अलग अलग लोग सफर करते हैं। जिंदगी को खुशी से जीना हो तो जिंदगी को नजदीक से जानना जरूरी है, ये किसी महान आदमी ने कहा है। अगर जिंदगी को अच्छे से नहीं जी पाए तो वो जिंदगी अधूरी है। छोटी छोटी बातें अगर हम नहीं जान पाए तो ये सफर अधूरा है। जब इंसान की जिंदगी में अहंकार बैठ जाता है तो कुछ लोगों को यह अहंकार अपने जीवन में कभी कभी बहुत नुकसान पहुंचाता है। वो लोग अहंकार के कारण अपनी जिंदगी सादगी से नहीं जी सकते, दिखावा दिखाने में ही जीवन बीत जाता है। पैशन के पीछे दौड़ना, सेलफोन पर बातें करना, मुंह पर झूठी हंसी हंसना, पब में जाकर दारू पीना, बस यही सब करने में लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पर किसी को जिंदगी की हकीकत जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस वैसे ही जी रहे हैं। इस दुनिया में बाकी के लोग कैसे जीते हैं कोई नहीं जानना चाहता है, बस अपने ही काम में मस्त रहते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कुछ ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है जो उसे जिंदगी की छोटी छोटी बातों के मायने सिखा देते हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के कारण उस आदमी के साथ क्या क्या होता है, इस कहानी में यही दिखाया है। सक्सेस, प्रमोशन गारंटेड, अब सब ठीक हो जाएगा, कल से नई जिंदगी शुरू। ये पुरानी गाड़ी को बेचकर बेंज के लिए अप्लाई कर दूंगा। ए, क्या हुआ ये? आज के दिन तो संभाल ले। शिट, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ए, बारिश में मेरी कार खराब हो गई है, सुनो। हेलो 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 हेलो, शिट, बैटरी भी डाउन हो गई, फोन भी बदलना पड़ेगा, क्या करूं मैं, किस जगह पर हूं मुझे पता भी नहीं है। ए, चलेगी क्या? एक बार बोला ना, बार बार बोलूं क्या? कितना लेगी? बार बार भाव पूछने से कम नहीं होगा, तेरी समझ में नहीं आया क्या? पैसे हो तो चल, नहीं तो निकल। कुछ कम करो ना। बाजी मार्केट है क्या? अरे मेरे पास इतना पैसा नहीं है। देखो मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? जो इतना है उसमें मान जाओ ना मेरी बात। उंगली जल गई। तुझे नहीं चाहिए था तो मना करना था ना, तेरी जायदाद लिखवा ली है क्या मैंने? ये ले। रुक अभी आती हूँ। क्या हुआ, तेरा काम हो गया क्या? हाँ, खींच खींच कर 800 तक आया है। डबल सवारी है क्या? नहीं रे, सिंगल है। तेरा क्या चल रहा है? नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मैं अपना काम देख लूंगी, तू जा अपना काम देख। रूम में बात हो रही थी, कॉपरेटर भंडारी बाबू के लिए कृष्णा ने तुझे बुक किया है, पहले से एडवांस भी ले चुका है। क्या कह रही हूँ, उसके पास मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों, वो तो पैसे भी ज्यादा देता है। बीमारी भी साथ में देगा, तू जानती है ना अपनी रमैया उसके साथ जाकर हॉस्पिटल में भर्ती है। अब क्या करे, अपना कृष्णा तो उससे एडवांस भी ले चुका है। ठीक है मैं वो देख लूंगी, उसके 1,00,000 रुपए बाकी है, उसमें से 80,000 दे चुकी हूँ, अब 20,000 देना बाकी है। वो 20,000 के लिए मुझे परेशान कर रहा है। भंडारी बाबू तुझे नहीं छोड़ेगा, तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। जा, मैं सब देख लूंगी। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। चले रो। ऑटो, ए ऑटो, सुनाई नहीं देता क्या? Thank you.
क्या चाहिए? सिगरेट नहीं है। लड़कियों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने तेरे पास सिगरेट देखा था। अगर तू मुझे सिगरेट देगा ना, मैं तुझे चुम्मा दूंगी। नो थैंक्स, मुझे तेरी किसकी जरूरत नहीं। ये ले। दो निकाल रही हूँ। गुरु चलना है क्या? क्या क्यों गुरु, क्या सोच रहे हो? तुम चुप रहोगे तो बारिश भी बंद हो जाएगी। सच कह रही हूँ, बारिश बंद हो जाएगी। क्यों गुरु? ए, क्या है? तुम क्या समझ रही हो मुझे? मैं कौन हूँ पता है? मैं तो तुम्हें मर्द समझ रही थी। नहीं है क्या? ए, यू, तुझे चर्बी चढ़ गई है क्या? तू लड़की तो दिख रही है, लेकिन लड़की जैसा कोई भी गुण तुझ में नहीं है। वो गुण है तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। चल ना, क्यों परेशान कर रहा है? मूड सही नहीं है, मुझे सब पसंद नहीं है, तो जा यहाँ से। तेरा तो कभी मूड ही नहीं होगा साला। दुनिया में पैसे खर्चा करके लोग मजा लेते हैं, इसके पास लड़की खुद चल के आई है तो भी मना कर रहा है। लगता है ये लड़कियों को पसंद नहीं करता। हेलो, तुझे ही। अब क्या हुआ तुझे? ऐसे टाइम में मूड होता है, लेकिन तुझे तो मूड होगा नहीं। कम से कम टाइम तो बता दे। 11:30। 11:30 बज गए? अरे बाप रे बाप, सारे मर्द लोग कहाँ चले गए? बरसात का भी कोई फायदा नहीं मिला, एक भी कस्टमर नहीं मिला। वो गाना बंद करो। डिस्टर्ब हो रहे हो। मैं काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। ये गाना बहुत अच्छा है, दिल से दिल को मिलाने वाला। ये गाना सुनकर आप काम करोगे, इसीलिए मैं गा रही थी। ये गाना सुनकर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं काम कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट वर्क है, ऑफिस का डेमो देना है। सुनो, तुम ये घटिया गाना बंद करो और सो जाओ। क्यों बंद कर दो गाना? सुनो, इज्जत चाहिए तो ये गाना बंद कर दो। समझ में आ रहा है तुम्हारे? क्यों, सिर्फ यही गाना नहीं गाना है? तुझे क्या पता इस गाने का मतलब क्या है? दिल से दिल मिलाने वाला, सुख दुख में साथ देने वाला। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए। इससे ज्यादा हमारी जिंदगी में और क्या चाहिए गुरु? हमारी क्यों कह रही है, सिर्फ अपने बारे में बोल। ठीक है गुरु, हम दोनों के बीच में अनबन है, मैं ये मानती हूँ। जब कोई दूसरा कस्टमर नहीं मिलता मुझे, तुम मेरे साथ 15 मिनट हंसकर बात कर लो। क्यों तुम इस तरह से नाराज रहते हो? हंसकर क्यों नहीं बोलते? तुम इतने टेंशन में क्यों हो? हंसकर क्यों नहीं बोलते? सर संभाल कर। ओहो, ये बारिश भी रुक नहीं रही है। नमस्ते शंकर भैया। ए, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि भैया कहकर नहीं बुलाना। ये तो बोलने की आदत हो गई है ना। बोला ना। ये कौन है, तेरा कस्टमर है क्या? नहीं रे, गाड़ी खराब हो गई। खराब हुई है या जानबूझकर की? दिखने में तो वो वैसा नहीं लग रहा है। इसके लिए भी आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमता है क्या? ठीक है ठीक है। ए गुलाबी, तेरा कृष्णा किधर है? मुझे क्या मालूम। तुझे नहीं मालूम? वो जो अभी तक हफ्ता देता था ना, वो अभी तक दिया नहीं है, समझे क्या? वो कहाँ छुपा हुआ है, उसकी चमड़ी उधेर करना है, यूनिफॉर्म बनाऊंगा मैं। वो मुझे पैसे देकर गया है। तो अभी तक तुमने मुझे दिया क्यों नहीं था? तुमने पैसे के बारे में पूछा था क्या? तुम कृष्णा के बारे में पूछ रहे हो? ए, लगता है तुम्हें चर्बी चढ़ गई क्या? 2000 देना था, 100 रुपया इसमें कम क्यों है? तूने निकाला क्या? खा गई होगी सर। ये तुम्हारी आदत है, मुझे कोई जरूरत नहीं। तू कुछ ज्यादा बोल रही है, वो गलत नहीं बोल रहा है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। चल निकाल 100 रुपये, अगर तुमने चुपचाप नहीं निकाला ना तो मुझे निकालना भी आता है, समझी क्या? तू भी क्या है, पुलिस वाला होकर हम जैसों का पैसा खाता है।
मैं नहीं जानती वो सब, सिर्फ इतना ही दिया था मुझे। क्या कहा, होशियार बनती तू, 100 रुपया निकाल करके मुझे बेवकूफ बना रही है तू। उसकी अच्छी तरह से ठुकाई करके अंदर कर दूंगा ना तो सारा पैसा बराबर आ जाएगा, समझी? छोड़ मुझे। ए, क्या हुआ, किसको अपना गुस्सा दिखा रहा है तू? सर आप इज्जत से बात करें। क्यों रे, लड़के पर जोर आजमा कर बड़े नहीं हो सकते आप। अरे बाप रे, इज्जत से बात कर। हाँ मेम साहब, जो हफ्ता देती थी वो पैसा कहाँ है, ऐसा बोलू ना? हाथ जोड़ कर मांगना चाहिए ना। इज्जत से मांगो। तेरी तो एक शब्द भी आगे बोला ना मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा, समझे क्या? रात में अपनी बीबी के साथ सोने के बजाय हम तुम लोगों की रक्षा करते हैं और तू मुझे सिखा रहा कि कैसे बात करनी चाहिए। ए, इस बाजारू औरत को क्या इज्जत देनी है ये तू मुझे सिखाएगा? तुझे गोली से उड़ा दूंगा, तूने समझा क्या मुझे? शंकर भैया छोड़ दो उसको, भैया छोड़ दो भैया, इससे बात करने की क्या जरूरत है आपको? मैं आपका पैसा देती हूँ ना, चलो चलो इधर आओ, मुझे सिखाने चला है बेवकूफ। चलो आओ। ए, तू पुलिस स्टेशन चल, मैं आ रहा हूँ। तू क्यों उससे पंगा ले रहा है, वो अटेला शंकर है, तेरी किस्मत अच्छी थी नहीं तो वो तुझे मार डालता, अभी तक तू मर गया होता। अरे तेरी भलाई के लिए तू यहाँ से निकल ले जल्दी से। उसने क्या कहा? 100 रुपया कम कहा था। और तुमने क्या कहा? हिसाब बराबर करके आई। बेवकूफ। थोड़ी देर पहले 2 ली थी ना? खत्म हो गई ना। तुम क्या करती हो, यही पूछना चाहती हो ना? और मैं सिर्फ यही करती हूँ, बस मुझे यही आता है। गुरु कब से? माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं थे और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मुझे गलत मत समझना गुरु। ये कृष्णा कौन है तेरा? मेरा ब्रोकर है। वो 100 रुपए तुमने लिए थे क्या? ऐसा नहीं बोलती, तो उसकी हड्डियां तोड़कर फेंक देता वो शंकर। फेंक देता तो तुम्हें क्या पड़ी है? जब मैं मुसीबत में थी तो उसने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला उस शंकर से। ये काम क्यों करती हो, कुछ और करना चाहिए। मैंने बताया था ना गुरु कि मैं गलती से इस लाइन में आ गई हूँ। ये काम मैं खुश होकर अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ,
क्या करूं, अब मेरी ये मजबूरी बन गई है। लेकिन तुम ये काम क्यों करती हो, कुछ और करना चाहिए तुम्हें। अब क्या करूं गुरु, मजबूरी में ये काम करना पड़ा। बाद में तो ये काम छोड़ सकती थी। माँ बाप के गुजरने के बाद मामा ने कहा अच्छा काम दिलवाऊंगा, ऐसा कहकर वो रजिया बेगम से मिलवाया था। उस वक्त उसके घर में बहुत सारी लड़कियाँ थी। मैंने कुछ और सोचा था, उस रात मुझे कुछ समझ में नहीं आया था और मेरी इज्जत लूट गई। उसके बाद मैंने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं भाग नहीं पाई और इस दलदल में फंसकर एक जिंदा लाश बनकर रह गई। ये सब काम नहीं करता। नहीं करते? तुम क्या बाहर खाना नहीं खाते कॉलेज में, ऑफिस में? नहीं। अरे बाप रे, सिर्फ घर का खाना खाते हो। तुम्हारी पत्नी बहुत किस्मत वाली होगी गुरु, तुम्हारी जैसा आदमी मैंने पहली बार देखा है गुरु। तुम अच्छे लगते हो गुरु। ये बताओ गुरु, तुम्हारा नाम क्या है? अभी अभिराज। क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, महीने में कितना कमाते हो? 80,000। 80,000? हाँ, महीने में 80,000 रुपया कमाते हो? तुम्हारी बीवी भी कमाती है क्या? जरा ढंग से बात करना सीखो। मैं ऐसी ही है गुरु, मुझे बात करना नहीं आता है। मेरा माहौल ही कुछ ऐसा है गुरु। फिर हमसे भी तो कोई ढंग से बात नहीं करता, फिर हम क्यों बात करें ऐसे? ठीक है, तुम कहाँ रहती हो? कहाँ रहती हो बोलो? लोखंडवाला के पास। मस्त है। और? मुझे कुछ काम नहीं आता, खाना बनाने भी नहीं जानती हूँ। माँ सब बनाती थी, माँ जिंदा होती तो ये काम करना नहीं पड़ता। मेरी माँ को मार दिया। मार दिया? हाँ। उस समय मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं अपनी माँ के पास सोई थी। रात में मेरी माँ को कोई आदमी ले गया। रेलवे ट्रैक के पास मेरी माँ की लाश मिली और मैं अकेली हो गई। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ इसी धंधे में थी। पहले माँ और फिर मैं। जाएंगे क्या? पर हमारे जिंदगी में ऐसा कुछ होता? सच या झूठ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सच है। अजीब लग रहा है ना, मैं तो सिर्फ हंस के ही जी सकती हूँ। रात में बाहर निकलने के लिए मना किया था ना मैंने,
बारिश भी हो रही है, क्या जरूरत है तुझे आने की? बारिश होने से पहले ही घूमता हूँ दीदी। हर सवाल का जवाब तू बराबर देता है। चाय लो दीदी। मुझे नहीं पीनी है, उसको पूछ। सर चाय या कॉफी? यहाँ कोई आसपास मैकेनिक मिलेगा क्या? अभी कोई नहीं मिलेगा सर, बारिश के कारण सब घर पे चले गए होंगे। ठीक है रख दो। यहाँ बाजू में कोई मैकेनिक की शॉप है क्या, या आजू बाजू में कोई गैरेज की दुकान या फिर कोई भी मैकेनिक? पहले आप चाय पियो सर, बाद में बात करते हैं। दीदी ये लो आपकी गर्मा गर्म चाय पी लो। इधर आ, भीग गया ना? दोबारा बारिश में भीगा ना तो तुझे बुखार आ जाएगा और स्कूल से छुट्टी मारेगा तू। ठीक है दीदी, नहीं भीगूंगा, जाने दो। ए मोखल, तू फिर से वो गंदा गुटखा खाया है ना? अगर खाया है ना तो मुंह सड़ जाएगा तेरा। गवर्नमेंट ने पोस्टर लगवाया है, नहीं देखा? सिनेमा का पोस्टर तू बराबर देखता है हा? दीदी रोज एक गुटखा खाने से कुछ नहीं होता। दोबारा तूने खाया ना तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझा? अच्छा ठीक है, नहीं खाऊंगा, छोड़ दो। सर आपको सिगरेट चाहिए? क्लासिक है क्या? कार बहुत अच्छी है सर। अरे मैकेनिक चाहिए यार। सब जगह पानी पानी भरा है, अब कौन मिलेगा सर? पैसा देता हूँ, ट्राई करना। मैकेनिक का एडवांस 500 और चाय और सिगरेट 40 रुपया, कुल मिलाकर 600 रुपया दे दो सर। क्यों बेटा, तो मुझे ही टोपी पहनाएगा क्या? मैं मैकेनिक खुद ढूंढ लूंगा। ये ले आपने 40 रुपए। मुझ पे भरोसा करो ना सर। है? दीदी कल स्कूल की फीस भरनी है, भूलना नहीं। ठीक है, सुबह आकर ले लेना। ए, मैकेनिक को लाना। बाय दीदी। ए संभल कर जाना। सगा भाई है क्या? नहीं, उससे भी ज्यादा। फिर उसके हाथों में पैसे क्यों देती हो? तुम्हें खुद जाकर स्कूल में पैसे भरने चाहिए, अगर खा गया तो? वो तकलीफ जानता है, 10-20 रुपया वो मुझसे ले लेता है, ये गलत नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो पैसों का क्या करता है। अगर मैं उसे नहीं दूंगी तो उसका दुनिया में कोई और है भी तो नहीं। मेरा साथ देने वाला सिर्फ वही है। बहुत अच्छा है गुरु। क्यों गुरु, बोलो। अच्छा गुरु, तुम्हें मुझे देखकर कुछ भी नहीं होता है क्या? नहीं। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, अब भी कुछ नहीं हो रहा है क्या? मैंने कहा ना नहीं। आप देखो। नहीं। मैं आंखों से धूल हटा रही हूँ और तुम गलत नजर डाल रहे हो। आई एम सॉरी, माफ नहीं करूंगी। ओके ओके, अब मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखूंगा। गुलाबी, तू इस वक्त क्या करने आया है? राजा तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं वो देवी से शादी करना चाह रहा हूँ, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं बात करूंगी, तू इधर बैठ। देख वो आ रही है। काम खत्म हो गया क्या? मैं कहीं नहीं गई हूँ। ये बात है, राजा को तुमने बुलाया था क्या? तेरे लिए आया है वो। सच कह रही हो? हाँ रे, तूने उससे शादी के लिए हाँ कहा है ना? मैं तो मजाक कर रही थी, वो आएगा कि नहीं देखने आई थी। ठीक है तुम आ गई ना। अच्छा अब कहीं दूर जाकर तुम लोग अपनी जिंदगी जियो। इस नर्क से तुझे वो निकाल कर ले जा रहा है ना, मेरी बात मान ले। वो बात नहीं है, उसकी उम्र में फर्क है, यही ना? तू उसे पसंद करती है ना, ये बात तूने कई बार मुझे बताई है। अगर तूने मना किया तो वो सच में अपनी जान दे देगा, मेरी बात मान जा, उससे शादी कर ले। चल इधर आ। Thank you.
भुला भी तूने ये क्या किया? इस लड़के का फ्यूचर बाकी है। 36 साल की लड़की के साथ 22 साल के लड़के की शादी कराना बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? ये हमारा समाज नहीं मानेगा ना। क्यों, 60 साल का बुड्ढा और 16 साल की लड़की शादी करे तो समाज मानता है क्या? वो बात नहीं है गुलाबी, एक्चुअल में ये सब पति के मरने के बाद किसी भी विधवा का घर नहीं चलाता है तुम्हारा ये समाज। मैंने जो किया ना वो बिल्कुल सही किया है। आश्चर्य हो रहा है क्या गुरु? ऐसा क्यों किया तुमने? वो दोनों साथ में रहेंगे ये सोच रही हो? माँ बाप की करवाई शादी में भी आजकल मिलजुल कर रहना मुश्किल है, तो फिर वो लोग कैसे साथ में खुश रह सकते हैं? ये लोग साथ जिएंगे। माँ बाप की करवाई हुई शादी में पहले से लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानते होते, लेकिन ये लोग जानते हैं। एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गया था। वो उसके शरीर के साथ प्यार नहीं करता था, वो उसे दिल से प्यार करता है। वैसे वो भी उस लड़के से बहुत प्यार करती है। उनकी शादी को ये समाज ये दुनिया ना माने भी तो वे लोग मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनके प्यार की जीत होगी। ओह, आई एम सॉरी। क्यों गुरु, ये शराब है क्या? हाँ, तुम तो पीती ही होगी। ए गुलाबी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, चल मेरे साथ। कहाँ? बाबू भाई के पास। मैं तेरे कृष्णा को एडवांस दे चुका हूँ, समझी क्या? किससे पूछकर तूने एडवांस दिया था? ए गुलाबी, तू बहुत उछल रही है क्या? ए तू यहाँ बैठ के क्या सुन रहा है? ए चल निकल जल्दी यहाँ से। ए गुलाबी, बड़ा मालदार पार्टी बटा लिया तूने। उसको क्यों बीच में घसीट रहा है, ये हम दोनों की बात है ना। तू क्या बात करेगी, तू चुपचाप मेरे साथ चलती है कि मैं तुझे उठा के ले चलूं? तू क्यों नाराज होता है, मैं तेरे साथ चलती हूँ ना, चल मान जा, चल चल आ जा। मर भी जाऊंगी ना तो भी उस बाबू भाई के पास नहीं जाऊंगी। मेरी सहेली को उसकी बीमारी लग गई है, वो बहुत तकलीफ में है। मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसलिए तो मैं तुझसे इतनी देर से बात कर रही थी। तू कुछ भी कर, मैं कुछ नहीं जानती। तुझे जरूरत है तो तू अकेला आ जाना, हम बात करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, तुम यही रुको, मैं बाबू भाई से बात करके आता हूँ। ठीक है ठीक है, तू जा। ठीक है। ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, प्यार से या नफरत से, बता तो दो। आश्चर्य से। क्यों? तेरा हाल देख के। क्या जान लिया? मैं खुद अंधेरे में हूँ। ये क्या गुरु, लाइट है ना, फिर क्यों अंधेरे की बात करते हो? गुरु, मैं मस्ती के लिए शराब पीना चाहती हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। गिर जाएगी। अब क्या गिरूंगी गुरु, तुम्हारी गाड़ी की चाबी तो जरा, डरो मत, मैं तुम्हारी गाड़ी उठाकर नहीं ले जाऊंगी ना। ओ, तुम्हें स्केचिंग बनानी आती है क्या? ये कौन है? तू ही तो है। मैं इतनी बदसूरत दिखती हूँ क्या? किसने कहा तुम खूबसूरत हो? डिस्काउंट।
के लिए कहा होगा। स्केचिंग बना रहे हो तो मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। तुम्हारा डांस देख कर लेना चाहता हूँ। उसके लिए किस्मत चाहिए गुरु। और तुमने मेरा डांस फ्री में देख लिया। वैसे मेरा डांस देखने के लिए 500 रुपया लेती हूँ। अच्छा तो तुम डांस प्रोग्राम भी करती रहती हो। हाँ कभी कभी। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। हाँ? सही कहा था। बाबस पी ली है क्या? मैं तो देशी शराब पीने वाली हूँ, तेरी तरह विदेशी शराब नहीं पीती। तुम जा रही हो? छोटा सा काम है, करके आती हूँ। रुको मैं भी आता हूँ। रुको रुको। हाँ? क्यों साथ में आओगे? हमें भी शर्म आती है साहब। आई एम सॉरी। वो यही होगी, तुम लोग अच्छी तरह ढूंढो उसे, जल्दी। ठीक है, ढूंढता हूँ भाई। सर लड़की चाहिए क्या? अच्छी लड़की है, नेपाली, कश्मीरी, केरला, वहाँ से फ्रेश लड़की लेके आया हूँ, एकदम मस्त वाला है साहब। साहब बोलिए ना, बिल्कुल फूल की तरह है वो। ए झिंगूर, हम लोग किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं और तू यहाँ धंधा कर रहा है? तेरी तो उस गुलाबी को ढूंढने को कहा था लेकिन तुम धंधा करने लग गए। भंडारी बाबू को गुलाबी नहीं मिली तो हमें पकड़ के अंदर कर देगा। चल उसको अच्छे से ढूंढ। मैंने सब जगह ढूंढा, वो नहीं मिली। फिर कहाँ गई? अरे मैंने उसको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा था, उस लड़की को इसने बुक किया था। कहाँ गई वो? वो कहाँ गई मैं नहीं जानता हूँ। तेरी बुक की लड़की कहाँ गई वो तेरे को पता होगा? चुपचाप बता दे वरना तेरा अंजाम क्या होगा जानता है? क्यों रे घूर रहा है? तेरी तो वो आदमी है ही नहीं, ताकतवर जानवर है वो। उसने मेरे ग्रुप में सबको इस्तेमाल किया है, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसके हाथ में नहीं आई। मैं बच गई, अगर मैं उसके साथ सोई ना तो मुझे भी बीमारी हो जाएगी। तुम्हारा ब्रोकर कहाँ होगा? इस वक्त वो चांदनी बार में होता है, लेकिन वो भंडारी बाबू के डर से वहाँ नहीं मिलेगा। चलो। कहाँ? कुछ बोलो मत, मेरे साथ चलो। ऑटो ऑटो, ए ऑटो रुको यार, चांदनी बार चलो। सॉरी सर, पेट्रोल खत्म हो गया। अरे अभी तो चला रहा था। अब भी खत्म हुआ ना? अर्जेंट है यार। अर्जेंट है इसलिए तो खत्म हुआ। ए भाई झूठ क्यों बोल रहा है? ये लड़की, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। ए गुरु, तुमसे पैसे निकालने के लिए ये झूठ बोल रहा है, भरोसा मत करो। कितना चाहिए तुझे? 500। पैसे पहले देने पड़ेंगे। मत दो इसे। ये भी ना बात। चलिए सर बैठिए, जितनी देर बैठना है उतनी देर बैठिए। भाई साहब अपना काम शुरू करो, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, जैसे काम खत्म हो जाएगा मुझे बुला लेना। ये क्या है? लगता है सर नए हैं, लेकिन इस लड़की को सब पता है, फुल सेटिस्फाइड करेगी सर। ए भाई साहब तुम हल्ला क्यों मचा रहे हो? हम लोग इस काम के लिए नहीं आए हैं, बोला ना तुमको चांदनी बार ले चलो। अरे क्या आप लोग बार में जा रहे हो? अरे कितनी रोमांटिक बारिश हो रही है, यहाँ पर मजे लो आप लोग ऑटो में बैठ करके। हैं गर्मा गर्म खाने से सब डरते हैं भाई। हैं भाई साहब जल्दी चलो, पुलिस आ गई तो बार बंद कर देंगे। आप नए नए आए हो क्या? अरे पुलिस वाले क्यों बंद करेंगे, भाई लोग अंदर शराब पीते हैं तो बाहर पुलिस सिक्योरिटी का काम करती है, पता नहीं क्या आपको? अगर मेरा लल्लू कृष्ण एडवांस नहीं पैसा उठाता ना तो इस मुसीबत में नहीं फंसती, उसी की वजह से इतनी परेशान हो गई। बार के अलावा कृष्ण कहाँ घूमता रहता है? बार में नहीं जाएंगे तो पता नहीं चलेगा उसका। मैं यही नहीं, जहाँ भी ढूंढोगे वहाँ मिलूंगा, मैं परमात्मा जो हूँ। नमो नमः। तो फिर तुम कल क्यों नहीं दिखा? आया था 4 बजे आया था। मस्ती करने में माहिर हूँ। ए कृष्णा, तुम्हें आए हुए कितने देर हुई? तुम भी थोड़ी सी मस्ती नहीं करने देती हो? हाँ, तेरी मस्ती कभी बंद होती है क्या? चल चल, फोटो लाया है क्या? मैं कभी आज तक खाली हाथ आया हूँ क्या दीदी? तू बहुत बड़ा शिकारी है मैं जानती हूँ। हाँ, के लिए ओके है ना? हम जैसे कहेंगे वैसा ही करेगी दीदी। मुझे बताना क्या है? मैं आजकल तुमसे नाराज हूँ, मेरी लड़कियों को तुम नहीं यूज करती हो आजकल ना।
कंप्यूटर जानने वाले लड़के ज्यादा हो गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या? लेकिन दीदी पैसे का है? क्या लेन देन है, हमसे बात करो। अपने बारे में? इसके बारे में भाई। वो क्या है ना दीदी, इसके बारे में दीदी, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, तेरी भी चर्बी बढ़ गई है। आप भी ना दीदी, 40,000 दूंगी। बाप रे, चारों का मिलाकर थोड़ा सा बढ़ा दूं 30। जाने तो पहले जो बोला था वही ठीक है। ठीक है, कल आकर एडवांस ले लेना। ठीक है दीदी। दीदी बाहर बारिश में भीगकर मेरी बॉडी ओवर हीट हो गई है, तो मैं थोड़ा ऊपर जाकर थोड़ा कूलिंग करके आता हूँ। थैंक यू दीदी। मेरी हीरोइन किस रूम में है? ये तो मुफ्त का ग्राहक ना कृष्णा। छी, ये तो मेरे सोने की मुर्गी है। मेरी हीरोइन तू? तू मुझे हीरोइन बनाएगा ये बोलकर लाया था। इंडोर कहा था, आउटडोर कहा था, यहाँ तो कोई डोर नहीं है, सिर्फ ये कर्टन के अलावा। ये सब छोड़ो ना यार, चलना मूड बनाते हैं। आज ये फैसला करना जरूरी है। ये बता तू हीरोइन कब बनाएगा? मुझे हीरोइन बनाने के लिए मुझे प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, फाइनेंसर ढूंढना पड़ेगा। सच कह रहे हो? भरोसा नहीं है क्या? हाँ, भरोसा करने के लिए बाकी क्या है? तू मूड खराब मत करो। ये लो, ये मास्क पहन लो। ये क्या है? कोई भी काम खुशी से करना चाहिए, ये है काजोल। ऐसा क्या? एक मिनट, सोनिया शेट्टी तुम्हें भी खुश होना चाहिए। मारुति के बदले बेंच में सवारी करेगी, चल सपने सजाते हैं। कैसे चला था? रोज तो वो इसी टाइम पर आता था, लगता है अभी तक नहीं आया, लेट हो गया होगा। मैं फोन करूँ क्या? ठीक है फोन कर। मेरा नंबर देख कर तो उठाए गयी। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। दिल आ गया क्या सर? सॉरी सर, आप जाकर आइए, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। सर मीटर रनिंग में है सर, स्विच ऑफ आ रहा है। दीदी ठीक है, मैं वापस से ट्राई करता हूँ, आप वहाँ जाकर बैठो। तुम यहाँ क्यों आए गुरु? तुमने मेरे लिए उसके साथ लफड़ा कर लिया। वो लोग हमें यहाँ ढूंढते हुए आ गए ना, तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तुम जाओ गुरु यहाँ से। कोई बात नहीं, कौन आता है देखता हूँ। ये बता, तेरा कृष्णा मिला क्या? नहीं मिला गुरु, ये मेरी परेशानी है, इसको मैं संभाल लूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात सुनो ना, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने आया हूँ। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? थोड़ा हंस कर तो बोल सकती हो। हेलो गुलाबी। गुलाबी रोज 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 माल पुआ। माल मैं भंडारी भाई के पास नहीं गई थी। नहीं नहीं गई थी, वो तो हालत बिगाड़ देगा। तू नहीं जानती वो कैसा आदमी है, कैसी पार्टी है। मैं उसे एडवांस ले लिया और तू भाग गई, अब वो मुझे क्या करेगा? मैं ये सब नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलना। तू कहाँ पे है? धूलपेट। ठीक है वहीं पे रुको, हम आते हैं अभी। अरे बाप रे, अभी क्या करूं? वापस फोन आ गया, अब क्या करी, अब क्या करी। हाँ बाबू भाई, हाँ बोल रहा हूँ। गुलाबी को लेकर के हम साथ ही आने वाले थे, अभी यहाँ आपके पास ही आने वाले थे, आ रहे हैं। जैसे कोई महारानी खड़ी है। पागल, तू मुझे पागल कर दी। भंडारी भाई के पास क्यों नहीं आई? तू उस भंडारी के पास क्यों नहीं गई? मुझे पता है ना, मैं एडवांस ले चुका हूँ। तूने किससे पूछकर एडवांस लिया था? मेरा सारा कर्जा दे देगी, इसीलिए मैंने एडवांस लिया था। अगर तू नहीं गई तो मुझे मार देगा। मारने दे, बीमारी लगने से तो अच्छा है कि ऐसे ही मर जाऊं मैं उस बीमारी के बिना। ओ, तुझे क्या पड़ी है? ओ, मैं पहले से एडवांस ले चुका हूं, वो मुझे ढूंढ रहा है। तूने उससे पूछा था क्या? क्या कैसी बात करती है तू? तुझे चलना ही पड़ेगा, कैसे भी चलना पड़ेगा, चल। छोड़ दे। कौन है ये तेरा कस्टमर है? लड़का बहुत अच्छा है, कितने रुपए दिए हैं? वो ऐसा आदमी नहीं है। ओहो, अच्छा लवर है। एक काम करो, तुम यहाँ रहो, हम एक घंटे में आ जाएंगे। चल चल चल। अरे पवन, तू मुझे मार रहा है, अब तू खड़े खड़े मुंह देख रही है। ए, गुलाबी से कितने रुपए देना? 20,000 रुपए देना। क्या तुम दे रहे हो? मैं दे दूंगा। तुम क्यों दे रहे हो गुरु? मैं सब संभाल लूंगी ना। रुको,
अरे वाह अरे वाह, ऑलरेडी पहले एडवांस 20,000 मिल रहा है, बहुत अच्छा है, डबल प्रोमोशन। चलो 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 चलो, इस पैसे को इस डब्बे में से कैसे निकालोगे? हे लड़की, बॉस तो बहुत पैसे वाले लगते हैं, छोड़ना नहीं, पकड़ो। सुनो, अगर लाइफ सेट करनी है ना, तुझे खाली पली रात भर धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तूने उसको पकड़ लिया ना, तो तू अपनी लाइफ बना मस्त जिएगी, समझी? बोले तो एकदम मस्त। मुंह बंद रखने के लिए कितना पैसा लोगे तू? 100 रुपया। अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये लो 40,000 रुपए, अब से तुम कभी भी इस लड़की के मामले में टांग नहीं अड़ाओगे। क्या तुम उससे शादी करेगा क्या? मार खाने के बाद भी नहीं सुधरेगा क्या? मेरी आदत है, यहाँ रखा, मशीन को दबाया और पैसा निकालो। ये जीरोक्स मशीन है क्या, या इसमें लेमिनेशन होता है? हाँ? ये कहानी मुझे मत सुना। तुझे मारा तो कैमरे में दिखेगा। रुको, कहाँ मारेगा? मुझे मारेगा? ये क्या कर दिया तुमने गुरु? जिंदा है ना? ओके भाई, ले। सांस तो चल रही है, ये बेहोश हो गया है। अरे बाप रे, इस रोड पे पुलिस घूमती रहती है, वो आ गया तो फंस जाएंगे। रुको मैं फोन करके आता हूँ। हेलो बॉस, मैं अभी बोल रहा हूँ। क्या हुआ, आधी रात को फोन कर रहे हो? ये सब मैं बाद में बताता हूँ, मुझे अर्जेंट हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? वो तुम्हारे रिश्ते में एसीपी है ना, वो किस थाने में बताया था तूने? निगरापुर थाने में। हाँ भाई, मैंने एक को मार दिया भाई, अब बताओ क्या करूँ? मार दिया है? हाँ भाई। अरे तुम एसीपी दुर्गा से बात करके मुझे बचाओ भाई, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़ी है? चल चल गाड़ी में बैठ। ए बॉस, मैं स्टेशन में जाकर तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? ए चल चल, तू क्या कर रहा, तू भी बैठी जरा। Indecent fellows. You're right. क्यों गुरु, आश्चर्य होता है क्या? मुझे भी इंग्लिश आती है। What's name? Take the soda. Take the water bottle. Open blouse. Remove dupatta, you kill. क्यों गुरु, पुलिस स्टेशन में इंग्लिश में बातें करो, तभी तो हम जल्दी से बाहर आ जाते हैं। Excuse me. Excuse me. यहाँ स्टेशन का इंचार्ज कौन है? Who is the station charge? Hello, excuse me. साहब, आप भी ना साहब, सीआई के आने तक इंतजार करो, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। वो जब तक आकर बैठेगा नहीं, तब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे। Excuse me, please wake up. Hello. कौन है रे? सर, आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल, आई वॉन्ट टू टॉक एसीपी दुर्गा। वहाँ उठने वाला नहीं है, कुछ भी कर ले। एक्सक्यूज मी प्लीज वेक अप। कौन है रे जो इतना चिल्ला रहा है? गुलाबी और उसको पकड़ के लाए हैं सर, यहाँ आकर चिल्ला रहा है। ए, इसको सेल के अंदर डालो। ए, चल। अरे बाप रे, सर
Damn it. बाइक को खड़ी कर दो। ए, तुम यहाँ क्यों आए? नमस्ते सर। सलाम साहब। अच्छा अच्छा। ए, तू इस एरिया में तो नहीं आती थी, फिर क्यों आई? ये केस क्या है? इन लोगों को रोड से पकड़ के लाया साहब। साहब ये ऐसा आदमी नहीं है, अपना कृष्णा है ना वो इससे फालतू में झगड़ा करके। क्या झगड़ा? सेंटर में वो पैसा का डब्बा है ना, और उसको दबाए तो पैसा आएगा ना सर, वो एटीएम सेंटर। हाँ, पैसा का डब्बा, इसी की वजह से वो पैसा को लेकर कृष्णा झगड़ा करने लग गया था। इस झगड़ा में सिर पर चोट लग गया था कृष्णा को, और वो नीचे गिर गया था साहब। साहब इसकी कोई गलती नहीं है साहब, ये तो मुझे मदद करने के चक्कर में ना ये सब कर दिया इसने। साहब मैं अभी तक इसके बारे में अच्छा बोलती हूँ, लेकिन मैं किसी के बारे में ऐसा कभी कहा है क्या? हर रोज आप मुझे उठाकर सेल में डाल देते हो साहब, और मेरा लल्लू कृष्णा आकर आपको पैसा देकर मुझे छुड़ा ले जाता है। आप तो जानते हैं ना साहब वो कैसा आदमी है, आप मेरी बात मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तेरी बात मानकर इसे छोड़ दूं? ये जेंटलमैन है क्या? साहब मेरी बात मान लीजिए ना साहब, प्लीज छोड़ दीजिए, माफ कीजिए, कम से कम एक फोन तो करने दीजिए साहब। क्या इसके बाद फोन नहीं है? साहब बैटरी खत्म हो गया साहब, एक फोन करने दीजिए साहब। अच्छा अच्छा, इसे फोन करने दो, ठीक है। ए आदि वो सेल ओपन करो। अरे बॉस, मैं बोल रहा हूँ, स्टेशन से बात कर रहा हूँ। कौन सा स्टेशन? ये कौन सा स्टेशन सर? मुगलपुरा। मुगलपुरा स्टेशन? तुमने एसीपी सर से बात किया था क्या? इस वक्त बात करना ठीक नहीं लगता है। अरे भाई प्रॉब्लम मुहूर्त निकाल कर नहीं आती है, तुम कुछ भी करो मैं ये नहीं जानता हूँ, 15 मिनट में एसीपी यहाँ होने चाहिए, दैट्स ऑल, समझे? ठीक है मैं करता हूँ। थैंक यू सर। बैठिए, चाय या कॉफी लेंगे सर? कॉफी। या टू कॉफी। नरसिम्हा 3 कॉफी स्पेशल प्लीज प्लीज प्लीज। वो मेरा हाँ 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 मैं देखती हूँ। अरे मैं देखती हूँ ना, देखती हूँ ना। मुरली ये लोग कौन है? अभिराज कौन है? अभिराज हो आप? हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। दुर्गा आईपीएस। थैंक यू मैम। बैठो। तेरी कहानी क्या है? मैडम मैं बोस का फ्रेंड हूँ। जानती हूँ, इसलिए आई हूँ। इस लड़की का नाम गुलाबी है। वो क्या है ना, वो लड़की वेश्या है, जानती हूँ। बात क्या है बता। मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो बीच में गाड़ी खराब हो गई और हाँ, बस करो। और फिर मैं वहाँ उतरा और फिर जोक है भाई, जोक जोक देखो जोक। तुम बताओ। ऑफिस से घर जाते वक्त बीच में बारिश आ गई और मेरी गाड़ी खराब हो गई, वहीं पर इस लड़की के साथ मेरा परिचय हुआ। बारिश हो गई, लड़की भीग गई और तुम्हारा मूड हो गया और गाना गाने लगे, खेल खत्म। उसके बाद क्या हुआ? लॉली कृष्णा इस लड़की का ब्रोकर है, उसने कॉर्पोरेट भंडारी बाबू से एडवांस लिया था, लेकिन ये लड़की यहाँ जाना नहीं चाहती थी और मैंने उसके पैसे वापस देने को कहा था। फिर मैं उसके साथ एटीएम गया था और वहाँ पर वो मेरे पास ज़्यादा पैसा है सोच के पैसे चाहिए बोलने लगा और चाकू से वार किया। मैंने जब उसे मारा तो वो नीचे गिर गया और बेहोश हो गया, यही हुआ था। लेकिन इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है, आपको इस लड़की को बचाना चाहिए प्लीज़। मैडम ये कृष्णा कौन है भाई? वो लड़कियों का ब्रोकर है मैडम, वो कहीं भी जाता है तो लफड़ा करता है, उसको हमने नाम दिया है प्रॉब्लम कृष्णा। तो इसकी पिछली कहानी क्या है मैडम?
उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है मैडम, उस पर बहुत सारे केस पेंडिंग है। ऐसा क्या? फिर हम उस पर क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें? हाँ देखो कल ही इलेक्शन है। ओके मैडम, तुम देख लेना। श्योर मैडम। मैं फाइल क्लोज कर देती हूँ, फिर काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके मैडम। देखो अभी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तुम जा सकते हो। अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी जानने की हमें क्या जरूरत है? आपने कुछ कहा? अरे तुझे नहीं, तू जा भाई, जा जा जा। तू चल मैं बताती हूँ। क्या हुआ गुलाबी, क्यों मुझे खींच के बाहर लाई? बता ना क्या बात है। तूने बहुत गलत किया गुरु, कृष्णा के नाम लेने की क्या जरूरत थी? नहीं रे, वो लोग केस को खत्म कर देंगे, फाइल क्लोज कर देंगे। अरे गुरु, बोला है ना वो हमारे फेवर में है। फाइल क्लोज करने का मतलब मार देना। मारने दो, एक कमीना कम होगा। गुरु वो अच्छा है गुरु, जब मैं तकलीफ में थी तो उसी ने मेरा साथ दिया, उसने मेरी बहुत मदद की थी गुरु। उसकी माँ और एक बहन भी है, और तुमने उसे मारने को कह दिया। अगर वो मर गया तो उसके घर वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ मैं बोल रही हूँ। अरे बोस, पहले तू ये बता कि तेरा दोस्त अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है? अरे, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो क्या है ना कि पहले उसने उस लड़की को बचाने के लिए कहा तो बचा लिया, अब वो बोल रहा है कि मैडम उस लड़की के ब्रोकर को भी छोड़ दो। अरे उसका दिमाग खराब है क्या, और मुझे क्या समझ रहा है? इसलिए मुझे उस पर डॉट हो रहा है, और इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। आंटी मैंने गलत आदमी को रिकमेंड नहीं किया, वो अच्छा आदमी है। हाँ हाँ ठीक है, वो अच्छा आदमी है, लेकिन जरा डाउट हो रहा था। तुम्हारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, तू भी तो रात को घूमता रहता है ना। सावधानी से रहना, नहीं तो तू मेरे बारे में जानता है ना, चमड़ी उधेड़ दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी, मैं मदद करूंगी उसकी। तू अभी एक काम कर, हाँ मुझे कुछ काम है, तू फोन रख ठीक है। फोन भी ना। हाँ बोलो। आज तुम आने वाली हो या नहीं? आती हूँ ना, थोड़ा लेट हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पुलिस स्टेशन है तो थोड़ा मचमच होगा ही ना। तुम सो जाओ ना, खामोखा परेशान हो रहे हो। सुनो, घर पर लेट आऊंगी ये सोचकर अगर ज्यादा पी ली ना तो सर पर मार मार कर सारी शराब बाहर निकालूंगी। मेरे लिए भी दो पैग रखना। आप फोन रखो। मेरे पति हैं। अरे मैं जल्दी घर जाने को सोचती हूँ, लेकिन ये पुलिस स्टेशन में ना कोई लफड़ा होता ही रहता है। ए कहाँ है तेरा सीआई, बता। डॉक्टर साहब, ये किसी भी हालत में ठीक होना चाहिए, ये केस में दोषी है और मेन विटनेस भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। कुछ भी करो लेकिन जल्दी करो। मेरे एक्सपीरियंस में चोट लगकर बेहोश होने वाला केस मैंने आज तक नहीं देखा है। देखिए मैं बहुत मुश्किल से इसे यहाँ लेके आया हूँ, कुछ भी करो इसे बचाओ। ठीक है, ट्रीटमेंट है, करंट शॉक देना पड़ेगा। करंट शॉक? बाप रे, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुझे याद दिला। अब सीआई हो गया? हाँ। याद आ गया ना, बहुत जल्द याद आ गया। ऐसे लोगों के लिए आपका ट्रीटमेंट सही है। थैंक गॉड, नो मोर ट्रीटमेंट। चलो चले चलो, फॉलो मी। क्यों रे, वो पैसा कहाँ है? कौन सा पैसा? ए मुझे गुस्सा मत दिला। नहीं नहीं, देता हूँ देता हूँ। चलो। Only 100? मैं देता हूँ। हाँ ये लो, धन्यवाद, आप जाइए। ए तू एटीएम में क्या किया था बता? एटीएम? बता क्या किया था तू? कौन सा एटीएम? नहीं बताएगा? बता जल्दी बता। कुछ भी पता चल बता ना। नमस्ते मैडम। क्या बताऊं? मैं इसे पूछताछ कर रहा हूं मैडम, लेकिन ये बता नहीं रहा। ए बता रहे? नहीं बता रहे। क्या बताऊं? क्या बताऊं? जल्दी बता। पैसे मैडम। चल पैसे निकाल। यस मैडम। दे उसे। तुझ पर कितने केस है जानता है? मैडम इसके ऊपर 8 केस है। सर फट गया है ना? तेरे बारे में तू खुद ही नहीं जानता है। ए तेरा जिंदा रहना जरूरी नहीं है, तुझे मार देते हैं। मैडम मैं भूल गया था, मैं बताता हूँ आपकी माँ की कसम। ए मेरी माँ की कसम खा रहा है तू? तुझे ऐसा मारूंगी कि तेरा पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। पोस्टमार्टम? ए गुलाबी तू चुप क्यों है, कुछ बोलना, उनको बताना। मैडम
मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो, मैं ये शहर छोड़ करके चला जाऊंगा। आगे से ऐसा गंदा काम करेगा? कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ए गुलाबी, तू कुछ देख, मेरा हाल क्या हो गया, मैडम से कुछ बात करना। क्या बात करूं मैं, हाँ तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। मुझे पढ़ाएगा ये कहा था, अच्छा काम दिलवाएगा यही कहा था ना, यही तेरा अच्छा काम। मैडम इसको मार दीजिए, ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, खत्म कर दो इसको। अरे बाप रे, मैंने ऐसे ही कह दिया था, उस वक्त ऐसे ही कह दिया था कि किसी को हीरोइन बनाऊंगा, किसी को सिंगर बनाऊंगा, किसी को फॉरन भेज दूंगा, यही कहा था ना। तूने जो बोला उस पर भरोसा किया ना उसने? क्या मैडम, मुझसे गलती हो गई मैडम, मैं ये काम सब छोड़ दूंगा, पर वो भंडारी बाबू है ना, मुझे और गुलाबी को मार देगा। भंडारी बाबू को खोल लगा। हेलो भैया, गुलाबी कहाँ है? वो मेरे अंडर में नहीं है, वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है। नीचे नीचे, मैडम नीचे। हेलो एसीपी दुर्गा हेयर, हाँ वही दुर्गा। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते, गुलाबी को तुम जानते हो? हाँ मैडम। और उसे ढूंढ रहे हो ना? इंतजार कर रहा हूँ। सुनो ये सब काम तुम छोड़ दो और उस लड़की को भूल जाओ। नहीं भूल सकता मैडम। मैं बोल रही हूँ ना, भूल जाओ। मैडम मैंने उसके लिए एडवांस भी दिया है। वो सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? वो बात नहीं है मैडम। भंडारी मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, समझ जा। तूने मुझसे पंगा लिया ना तो तेरी पुरानी फाइल मेरे टेबल पर ही है और तेरे सारे काले चिट्ठे मेरे पास ही हैं। ऐसा केस लगाऊंगी कि जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं मैडम, मैं उस लड़की को भूल जाऊं, यही ना, बस भूल गया। गुड, अब तेरा दिमाग सही हो गया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ। जैसा कहे तू वैसा ही करूंगा मैडम। गुड, अच्छी बात है। अब तुम्हारा खेल खत्म, मतलब दुकान बंद, अपना काम करूँ ना? आपकी मर्जी मैडम। ठीक है, सब बंद करती हूँ। सुनो अब तो खुश हो ना? भैया को बोलना कि मैंने याद किया था। ओके मैडम। और आपके एरिया में इलेक्शन का काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना? एकदम ठीक है मैडम। ठीक है, थैंक यू मैडम। मैटर ओवर। ए लल्लू, तूने अगर दोबारा ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगी। मेरे बारे में अच्छी तरह जानता है ना? अभी आर यू हैप्पी? थैंक यू मैम। चलो चले यहाँ से। जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ऐसा गंदा काम मत करो। दोबारा गुलाबी को परेशान मत करना। इस मुसीबत में आज है गुरु, वो बदल जाएगा इस बात का भरोसा मुझे बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ये रात नहीं लग रही है ना, मेरी जैसी लड़की को पहली बार देख रहे हो ना। एक बात बताओ गुरु, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारी तरह हकीकत में जीने का मन हो रहा है, ठीक है, ये बताओ मुझे देखकर क्या होता है? अभी भी कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं और वो साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है गुरु। अब तुम्हें कहाँ जाना है? चलो ड्रॉप करता हूँ। नहीं गुरु। नहीं क्यों? इतनी रात को कहाँ जाऊंगी मैं यहीं बैठ के थोड़ी देर सुबह होने का इंतजार करना चाहती हूँ। एक नई सुबह होगी। ये बताओ गुरु, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें पैसे भी तो देने हैं ना? चिंता मत करो गुरु, मैं नहीं आऊंगी, भाई के हाथ से भेज दूंगी। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड है। ये क्या है? इसमें मेरा एड्रेस है, तुम कभी मुझसे मिलना चाहो तो इस एड्रेस पे आ जाना। सच में गुरु? थैंक यू गुरु। सॉरी गुरु। किस लिए? वो पुलिस स्टेशन में जो लफड़ा हुआ ना, वो सब मेरे कारण हुआ, इसलिए गुरु। तुम्हारे कारण मैंने नई नई चीज जानी है। तुम जाओ गुरु, तुम्हारी औरत तुम्हारा इंतजार करती होगी। सॉरी, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार करती होगी।
या आई विल बी देयर विद इन 10 मिनट्स। ये क्या इस टाइम कहां जा रहे हो? वो क्या है ना, एक छोटी सी पार्टी है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। प्लीज प्लीज मत जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरती क्यों हो, टैबलेट ले लो। हेलो। हे, गुड मॉर्निंग। हाय। आज ऑफिस आ रहे हो ना? जरूर आऊंगा। आज ऑफिस पक्का आना, यही बताने के लिए मैंने फोन किया था। तुम्हारे ऑफिस आते ही हम दोनों बाहर जाएंगे। क्यों? मेरा जन्मदिन है। ओह, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। ओके, मैं तैयार होकर आता हूँ। बाय। अरे तुम आजकल अभी के साथ क्लोज घूम रही हो, राकेश का क्या किया? उसको छोड़ दिया। ऐसा क्यों? राकेश के पास क्या है, सब जीरो। अगर मैं अभी से शादी करूंगी तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। तुम अभी से शादी करोगी? वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है। औरत मर गई है और वो अकेला है, पैसे वाला है। अभी को अभी सहारे की जरूरत है, यही सही टाइम है। मैं उसे अपने वश में कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने राकेश को छोड़ दिया। अब मैं चलती हूँ। मुझे शादी की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्यार ही काफी है। मेरा साथ देने वाला सिर्फ वो था गुरु, अब तुम हो, सिर्फ तुम। मुझे गलत मत समझना गुरु, गुलाबी नाम की लड़की रहती है, क्या तुम उसे जानती हो? गुलाबी ना, अब इस जगह पर नहीं आती, लगता है उसको कोई दूसरा मिल गया है साहब। कल आके ट्राई करना, अब चाहिए तो बोलो, मैं हूँ, रेट भी कम लूंगी। ठीक है, बताइए सर। बोलो ना सर, कुछ तो बोलो।
नहीं गुरु, मैंने छोड़ दी। अरे गुरु, तुम रात भर घर नहीं गए क्या? तुम्हारी वाइफ कुछ नहीं बोलती है क्या? नहीं। बिना बोले कैसे चुप रहती है? रहती है। मतलब? वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने? बताया था। बताया था क्या? तुम्हारी औरत भी कमाती है क्या? जो नहीं है उसके बारे में बात मत करो। तुम्हारी औरत भी कमाती है क्या? जो नहीं है उसके बारे में बात मत करो। सॉरी गुरु। इट्स ओके। आज तुम कहीं नहीं गई हो क्या? मैंने कहा था ना, मैंने सब बंद कर दिया। ओह। पब में डांसर बन गई हो। ये कहानी नहीं गुरु, सच है। और जब तुम पब में आओगे ना तो टिप देना पड़ेगा। अगर टिप नहीं दिया ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं नाराज हो जाऊंगी। आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, सिर्फ गुलाबी की वजह से। मैं अपनी अंधेरी जिंदगी के बारे में जान गया। अब तक मैं झूठी जिंदगी जी रहा था। आर्टिफिशियल हंसना, दोस्ती का नाटक करना, ये सब धोखेबाजी है, ये मैं समझ गया हूँ। बिना कोई स्वार्थ के साथ देने वाली गुलाबी, वो मेरी नज़र में वैश्या नहीं है। जिंदगी को बहुत नज़दीक से दिखाने वाली एक परिपूर्ण स्त्री है। उसके कारण जिंदगी क्या है, लोग कैसे जी रहे हैं, ये सब पता चल गया। थैंक यू गुलाबी, थैंक यू वेरी मच।